जय जिनेंद्र, सभी को आवाज आ रही है? आ रही है, एम आई ऑडिबल? जय जिनेंद्र। प्रियंका जी शुरू करें? हाँ शुरू कर सकते हैं। चलो, सभी लोग अपने मैट पर आसन पर पोजीशन ले ले, बैठ जाए। डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले। योगिक प्रार्थना से अपने सत्र की शुरुआत करेंगे, जैसे कि अपन हमेशा करते आते हैं। प्रार्थना से क्या होता है, कोई भी शुभ मंगल कार्य की शुरुआत हमेशा इष्ट परमात्मा को याद करके की जाती है। दूसरा, अपना कंसंट्रेशन इधर उधर सारी जगह से हटके फुल फोकस होता है अपनी योगिक क्रियाओं पे। तो आप लोग ज्ञान मुद्रा बना ले, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल हो, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी आप लंबे समय तक बैठ सकते हो, स्थिर सुखम आसनम। तो उस स्थिरता पूर्वक जिस आसन में आप बैठ सकते हो उस आसन में आ जाए। आंखें बंद कर ले, ज्ञान मुद्रा बना ले, लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस लेते हुए सोचिए कि ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, और सांस निष्कासित करते हुए सोचिए कि सारी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, टेंशन आप बाहर फेंक रहे हो। डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब तीन तीन बार ओम बोलेंगे। इनहेल ओम, अगेन इनहेल बार, फिर से लंबी गहरी सांस, ओंकार। जॉइन योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, प्रार्थना करेंगे। तुभ्यं नमस्त्र त्रिभुवनार्तिहराये नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामयभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्र जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। दोनों हाथों को रख करें, ऊर्जा को पैदा करें। अपनी आंखों पे, मस्तिष्क पे, अपने चेहरे पे, सर्वांग पे लगा ले। धीरे से अपनी आंखों को खोल ले एंड रिलैक्स हो जाए। तो आज का अपना टॉपिक है ओबेसिटी, मोटापा। लास्ट समय अपन ने देखा था बैक पेन रिलेटेड अपन ने आसनास देखे थे। तो सर्वप्रथम अपन जानेंगे कि ओबेसिटी, मोटापा का अर्थ क्या है। अपन सब जानते हैं कि बस शरीर मोटा हो जाता है, तो ओवरवेट और ओबेसिटी दोनों को लोग इक्वल गिनते हैं, तो इक्वल नहीं है। क्योंकि अपनी जो हाइट होती है, अपना उसके अकॉर्डिंग अपना वेट कितना होना चाहिए, उसका एक परफेक्ट रेशियो सेट है BMI के अनुसार, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के अनुरूप आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना होना चाहिए वो रेशियो बताया जाता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से BMI का स्ट्रक्चर है। अगर आपका BMI 16 से 18 के बीच आता है तो समझ लीजिए कि आप अंडर वेट है, मतलब आपका जो वेट होना चाहिए उससे भी कम है, आपको वेट बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपका BMI 18 से 25 तक आता है
तो आप नॉर्मल वेट है, मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, पर उसको मेंटेन करना जरूरी है, इसलिए आपको योगा करना जरूरी है। अगर आपका वेट 25 से 35 तक आता है तो आप ओवर वेट है, मतलब आपको वजन आपका बहुत ज्यादा है, आपको उसको कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर आपका वेट मोर देन 35, 35 से भी ज्यादा है, तो इसका अर्थ होता है कि आपको ओबेसिटी से आप ग्रसित हो, ओबेसिटी के लक्षण आप में पाए जाते हैं। और ओबेसिटी मोटापा अपने आप में कोई रोग न होते हुए भी वो अन्य रोगों का जन्मदाता है। कहते हैं जैसे आपकी कोर मसल्स में स्ट्रेंथ ना हो, एंगेज ना हो, और अगर आपका पेट बहुत फूल चुका है और आपकी कोर मसल्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसको उसके भार को संभाल पाए, तो उसका पूरा वेट कहाँ पे जाता है, अपनी बैक पे जाता है, और क्या स्टार्ट हो जाता है, बैक पेन। तो इस तरह से ये है मोटापा अपने आप में रोग ना होते हुए भी उसकी जो कारण रोग होने वाले हैं, डायबिटीज होते हैं, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, तो इन सब के कारण अपने को उसका इलाज करना, उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। भूमिका के दौर पे आगे भैरव कुछ कहेगा। तो मोटापे के विषय पे आज सबसे पहले आज बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी शायद सुनी होगी और पढ़ी होगी, पर आज के सेशन में आपको जो भी चीज बताई जाएगी एक कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा, पर वो कंप्लीट सॉल्यूशन के पहले एक कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपको वो हेल्प कर पाएगी। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है माइंडसेट एंड कमिटमेंट। क्योंकि बहुत से लोग मोटापा कम करना तो चाहते या वेट कम करना चाहते, पर उस केस में आप देखोगे कि उनकी कटिबद्धता यानी कि प्रतिदिन 24 घंटे के दिन में से वो अपने 24 मिनट भी वेट कम करने के लिए कोई सकारात्मक या क्रियात्मक एक्शंस में नहीं होते। मन के लेवल पे सोचते रहते हैं कि हाँ मुझे वेट कम करना है। तो अगर हम आपको जो भी बेस्ट सॉल्यूशन अभी दे रहे हैं, पर जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट और उसको कंसिस्टेंट कंटिन्यूस अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन है, पूरे सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने यही सोचा था कि बहुत से लोग कर लेते, आपने देखा होगा कि बिफोर फोटो देखते और आफ्टर, मतलब पहले इतना वेट था और इतने मोटे लगते और फोटो में बाद में अच्छा मेंटेन किए वाला पोस्चर रहता है, तो वो और कुछ लोग चाहकर भी नहीं कर पाते, महीने और साल बीत जाते, तो उसका यही एक कारण है सबसे प्रमुख। तो सबसे पहले ये कंडीशन फुलफिल होगी तो आपको पूरी हमारी बताई गई जो प्रूवन चीजें, प्रूवन यानी कि जिसको प्रयोग किया गया है और प्रयोग में जो सफल सिद्ध हुई है, वो प्रूवन चीजें बातें और टिप्स के साथ हम आप लोगों को मोटापा का विषय लेकर आए हुए। तो आज के विषय में साथ में एक चीज ये भी आपको बहुत जरूरी है, बहुत से लोग ऐसा बोल चाहते हैं, हम लोगों ने जो भी अभी तक मोटापे की रिगार्डिंग क्लास मतलब उसके लिए जो ली है, जो भी ट्रेनिंग सेंटर पे या जो पर्सनल क्लासेस में भी हम लोगों ने गाइड किया है, तो कुछ लोग इस तरह से भी मानसिकता वाले होते हैं कि वो चाहते कि मुझे कुछ शारीरिक श्रम ना करना पड़े और ना खान पान में भी डाइट में भी कुछ ऐसा बड़ा बदलाव, मैं जो चाहता हूँ जो मुझे पसंद है और बिना उसमें कोई बदलाव किए हुए खाता खा सकूं और फिर भी मैं चाहूँ कि मेरा वेट कम हो जाए, तो क्या इस तरह का कोई उपाय है आपके पास? तो इसका जवाब है हाँ, इसके लिए भी उपाय है। वो उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे एक टिप से, और वो भी प्रूवन है। मतलब मोटापे के लिए कोई मार्केटिंग गिमिक्स, आपने बहुत जगह ऐसे बैनर वगैरह भी देखा होगा कि 7 दिन में 7 किलो वेट लॉस, वो उस तरह के मार्केटिंग गिमिक्स में अगर आप सोचो कि जिसको गेन करने के लिए, वेट गेन करने के लिए इतने दिन और महीने लग जाते हैं, तो ये एक बॉडी की एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। अगर जो इस तरह से वेट रिड्यूस करते वो एक्चुअल में अपना मसल्स लॉस करते हैं, और मसल्स वेट लॉस बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, वो आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है, आपके मसल्स को कम करता है, आपके हेयर फॉल होते, चेहरे पे रिंगल्स वगैरह आ जाते, तो मसल्स वेट लॉस बिल्कुल हेल्दी नहीं है। आपको लगता है कि नंबर्स काउंट आप देख रहे हो इतने केजी रिड्यूस हो रहे, बट इट विल नॉट हेल्प यू, वो हेल्दी वे नहीं है।
आपको आगे चल के वो सस्टेनेबल भी नहीं है, वो वापस गेन कर लेते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फैट लॉस करो। दो तरह से वेट लॉस होते हैं, मसल्स लॉस और एक फैट लॉस। तो आप अपने को फोकस फैट लॉस पे करना है, मसल्स लॉस पे नहीं। तो वो टिप्स भी आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। आज के विषय में आसनों से शुरुआत करते हैं। किस तरह से आसन, तो एक तो शरीर में आप देखोगे ह्यूमन बॉडी में तो मुख्य ऐसे तीन स्थान, हम लोगों ने सोचा कि इसको एक ही सेशन में समअप करके कैसे लोगों को समझाया जाए। तो इसमें पता, हम लोगों ने इसको तीन कैटेगराइज किया हुआ है कि ज्यादातर लोगों को हमारे पास जो आए उस सारे अनुभव और हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो अपने आर्म्स यानी कि जो बाइसेप्स बाजुए जो होती वो किसी की मोटापे के कारण, मतलब मोटापा तो वर्ड ओवरवेट के कारण, या तो वो जो बॉडी टोन होना चाहिए एक शेप में होना चाहिए बॉडी, उससे ओवरवेट होते। बाकी हिस्सों में उतना उनके शरीर में फैट नहीं दिखता है, पर आर्म्स थोड़ी सी ज्यादा दिखने में देखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता, ज्यादा फैट वाली रहती। तो उसको क्योर करने के लिए एक कुछ आसन वगैरह हम आपको बताएंगे। दूसरा स्थान है अपना पेट, बैली, वो तो सब लोग जानते होंगे। बहुत से लोगों का पेट लॉकडाउन में भी बाहर आ गया है। तो बैली के लिए और साथ में वेस्ट पार्ट जो अपना कमर वाला हिस्सा है वहां पे फैट जमा हो जाता है, तो वो उसके लिए किस तरह से अभ्यास करें कि उसको कम किया जाए। और ये सारे आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा, मेक श्योर, क्योंकि ये हम लोगों ने किया हुआ है, वेट लॉस हो चुके ऑलरेडी और हो भी रहे कंटिन्यूअसली, मतलब जो बैचेस रनिंग है, तो आपको भी डेफिनेटली होगा। बस जो पहले कंडीशन बताइए वो आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरा अपनी जंगा यानी कि थाई और हिप, ये तीन पार्ट ऐसे बाकी समय भी फैट जमा होते हैं बट मेजर खास तौर पे इन तीन चीजों पे। तो किस तरह से किन आसनों का अभ्यास करके इसको व्यवस्थित किया जाए, हालांकि पूरे बॉडी में एक सिमेट्रिक बॉडी टोन में लाना हेल्थी वे, मोटापा आप देखोगे अगर प्राकृतिक चिकित्सा से नेचुरोपैथी से देखे एक दृष्टि से, तो शरीर में किसी भी प्रकार का जो अपने को पसंद नहीं है उस तरह का कोई भी बदलाव, फिर चाहे वो रोग हो या और कोई परेशानी हो, वो अपना ध्यान खींच रही है, शरीर बता रही है कि यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, वो आपका अटेंशन ड्रॉ कर रही है। और अगर फिर भी आप उसको कंटिन्यूस इग्नोर करते हो तो वो फिर बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो मोटापे के केस में भी यही चीज है, एट द टाइम ऑफ बिगनिंग, शुरुआत में अगर आपने इसको इग्नोर किया तो फिर कंट्रोल करना और जो बिगनिंग में से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब प्रैक्टिकल पे आते, बातें काफी हो चुकी है, सब लोग सुबह की इस प्रातः मुहूर्त में अच्छे ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। तो आइए स्टार्ट करते प्रैक्टिकल आसन किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा, बैली पार्ट लेते या सिटिंग पोस्चर में, तो थोड़ा बैली बैठे बैठे भी जो अभ्यास कर सकते हैं वो आसन से हम लोग शुरुआत करते हैं कि पेट और अपनी कमर, ऐसा नहीं कि वो आसन सिर्फ यही काम करते हैं, उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं और बाकी जगहों पे भी सिमेट्रिक बॉडी पे पूरी और ओवरऑल बॉडी पे इम्पेक्ट आता है। पर किस तरह से करना है अगेन वी विल आपको बताएंगे कि कैसे, क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या आपको अलाइनमेंट ध्यान में रखने है और किस तरह से करने से आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा, तो ये सारी बातें साथ में रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अब आसनों के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते कौन सा करें, सिटिंग पोस्चर में प्लैंक, सबसे पहले कुंभक आसन, प्लैंक पोस्चर बहुत प्रसिद्ध हो चुका है अब तो, काफी लोग इसके बेनिफिट के कारण इसको जान चुके हैं। तो इस बार भी इसी से शुरुआत कर रहे हैं आज। अगेन अलाइनमेंट इसमें और क्या चीज ध्यान रखनी है, तो ये है प्लैंक पोस्चर, आप देख रहे हो कि सिस्टर जो परफॉर्म कर रही है, इसमें बॉडी अलाइनमेंट क्या मेजर करना है प्लैंक पोस्चर में। तो आप देखोगे कि आप इनके जो शोल्डर है, शोल्डर और रिस्ट वन लाइन में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपका रिस्ट पे लोड नहीं आएगा। और वन चीज कौन ये नहीं करता, सबसे पहले बता दो, जिसको कलाई पे और शोल्डर पे अगर पेन है या कोई सर्जरी हुए तो वो बिल्कुल इसका अभ्यास ना करे,
अगर पेट की भी कोई सर्जरी हुई तो वो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। इसमें आप देख रहे हो फिंगर इस तरह से स्प्रेड आउट रखनी है, आपको अपने हाथ को इस तरह से फ्लैट नहीं रखना है, स्प्रेड आउट करनी है, सारे आपके जो माउंट्स बने हुए ये नकल पूरी मैट पे फर्मली रेस्ट रहेगी, आपके ये जो पार्ट है अपने ये भी पूरा फर्मली मैट पे प्रेस रहेगा, शोल्डर से इस तरह से नीचे से इस तरह से स्क्वीज नहीं होने देना है, एक्टिव रखना है, हिप लाइन एक्टिव रहेगी, हिप भी आप देख रहे हो कि बॉडी हिप एक लाइन में है, हिप एक्टिव है, और फिर लेग जो है पैर इस तरह से फ्लैट जाएंगे, दोनों पैरों को इस तरह से रख सकते, और विजन दृष्टि कहाँ पे रखनी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको दोनों हाथों के बीच देखना है यहाँ पे, या थोड़ा उसके आगे 6 इंच अपार्ट फॉरवर्ड देख सकते हो, पर सामने इस तरह से नहीं देखना है जिससे सर्वाइकल पे ऊपर जो तो स्ट्रेस आए, ये गलत है, ये करोगे तो आपको पूरा सर्वाइकल पे स्ट्रेस आएगा, दोनों हाथों के बीच पोस्चर रखना है। ये था प्लैंक पोस्चर। अब इसको कितने रिपीटेशन और होल्डिंग करना है, तो प्लैंक में आपको होल्डिंग टाइम आपको 30 मिनट्स यानी कि हाफ मिनट से स्टार्ट करना है, फिर अगेन ये सब तो अप टू यू कि आप कितना उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहना है, कैसा कंफर्टेबल है, और प्लैंक के सारे वेरिएशन इसमें है, क्योंकि टाइम कम है, हम सारे आसन बहुत सारे आसन है और बहुत सारी सीरीज है इसमें, पर आपको ये जब कर रहे हो तो साइड प्लैंक के भी वेरिएशन एक बार हूँ बताई दू, साइड प्लैंक के लिए इस तरह से यहां से ही साइड में जाना है, राइट, ये है साइड प्लैंक। साइड प्लैंक में आप देख रहे हो कि पैरों को इस तरह से फीट को रखना है, और जब बंस बैलेंस हो जाए, थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, इट्स कम्प्लीटली होल राइट, आपको फिर से बैलेंस बनाने का प्रयास करना है, आपके रिस्ट शोल्डर वन लाइन, और जब कम्प्लीट बैलेंस बन जाए तब आप ऊपर वाले हाथ को भी देख सकते हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिएशन बताइए, अगर बिगनिंग में आपको नहीं बैलेंस बन रहा है तो आप ऊपर वाले लेग को इस तरह से भी प्लेस कर सकते हो, दूसरा जो आना नहीं मुक्की देखते, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो इस तरह से भी आप शुरुआत में, फिर ग्रेजुअली ट्राई करना है कि दोनों पैरों को आप स्ट्रेट कर सको, बट मेक श्योर आपकी वेस्ट कमर वेस्ट लाइन को एक्टिव रखना है इसमें, बताइए कमर नीचे जाती है, कमर ऐसे नहीं रहेगी, ऐसे डाउन नहीं, इस तरह से डाउन नहीं करना है, कोर को यहाँ पे एंगेज रखना है, आपको पूरा हाथों को इस तरह से प्रेस कर दे, काफी इंटरमीडिएट का आसन है, बट आपको दोनों साइड करना है, अगेन जो मारी पर बताई दे रही थोड़ा अलाइनमेंट नहीं करता ना, तो कैमरे काटी थी थोड़ी इजी रहे से हमने, आपको ये है प्लैंक पोस्चर। प्लैंक पोस्चर में से जब साइड प्लैंक में जाते हैं तो आपको राइट हैंड को फॉर्मली प्रेस करना है, जैसे मैं राइट साइड चेस्ट जो है वो ओपन रहेगी, चेस्ट कंप्लीट ओपन रहेगी, और मेन आपकी जो वेस्ट है उसको इस तरह से डाउन नहीं होने देना है, उसको एक्टिव रखना है, कोर को एंगेज करना है, आपकी बेली को इसमें एंगेज करना है, और पैर को इस तरह से स्ट्रेट, और जब कंप्लीट बैलेंस हो जाए, आपको लग रहा है कि हाँ इट्स फाइंड, अब तब आप ऊपर वाले हाथ को इस तरह से देख सकते हो, और 5 गहरी श्वास डीप इनहेल और एक्सहेल तक रुकना है, या तो 30 सेकंड जो आप बिगनिंग में कर सको, और फिर यहां से ही साइड चेंज करने का प्रयास करना है, हालांकि मैं कैमरा फेस करता रहूं इसलिए मैं साइड चेंज करके आपको बता रहा हूं, उसी तरह से लेफ्ट साइड भी उसी तरह से, पहले तो प्लैंक में आना है, प्लैंक का अलाइनमेंट बताया था कि शोल्डर रिस्ट वन लाइन में रहेगी, आपकी जो हील है वो भी टूवर्ड सीलिंग साइड रहेगी, हील इस तरह से डाउन नहीं रहेगी, वरना माउंटेन में चले जाओगे, अगर ज्यादा फॉरवर्ड रही तो भी वो भुजंग की जैसे पैरों की स्थिति हो जाएगी, वो छत की तरफ फेस करती रहेगी, हिप लाइन को एक्टिव रखना है, और जब इस तरह से कंप्लीट बैलेंस बन जाए, चेस्ट ओपन रहेगी, इस तरह से नीचे या झुकना नहीं है, वेस्ट एक्टिव, कोर एंगेज एंड कंप्लीट बैलेंस हो जाए, तब इनहेल करते हुए ऊपर वाले हाथ को देखना है, एंड स्टे हियर फॉर 5 ब्रीथ, इस तरह से फिर वापस भी उसी ऑर्डर में आना है, अपने नीज को रेस्ट करना है, और फिर इस तरह से वापस आना है। तो ये था पहला फर्स्ट आसन प्लैंक और उसके सारे वेरिएशन।
अगर नेक्स्ट विल स्टार्ट कयु चक्की चालन बताइए सिस्टर परफॉर्म करके आपको बताएगी सेम इसमें दूसरा घंटी चालन आसन अभी मोटापे का कारण आज की लाइफस्टाइल ही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में इसको लिया जाता है डिसऑर्डर यानी कि उसको इनवाइट करने वाला ये कॉज है तो पहले तो लोग अपने हाथों से इस तरह से चक्की पीसते थे पत्थर वाली घंटियां होती थी आज तो लोग बटन दबाते और आटा उनको तैयार मिल जाता है पहले लोग कुएं से पानी खींचते थे पानी लाते थे अभी आज एक बटन चालू किया मोटर स्टार्ट हो जाती है तो यही जीवन शैली में इस तरह से बदलाव आया है तो जो फिजिकली एक्टिविटी है वो कम हो गई है कहीं ना कहीं तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार है ये थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे चक्की चालन अभी वेट लॉस के लिए कर रहे तो आप देख रहे हो कि दोनों पैरों को इस तरह से एक्टिव रखना है फिट पैरों के पंजे इस तरह से पॉइंटेड नहीं रहेंगे इसमें और ना ही ज्यादा ओवर स्ट्रेच रखना है जस्ट टूवर्ड सीलिंग साइड इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट इस तरह से रखना है नी को एंगेज ये आपकी इनर थाई पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा सबसे इम्पोर्टेंट करना कैसे है और क्या चीज इसमें ध्यान रखनी है स्टार्ट कर तो दीदी इस तरह से एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए कभी इस पूरे इसमें फिंगर को मिलाकर एल्बो से स्ट्रेट रखना है और राइट साइड से स्टार्ट करेंगे एक्सहेल ब्रीथ आउट करते हुए पेट को अंदर पिचकाना है टुवर्ड्स स्पाइन और यहां से जाते हुए कंप्लीट सर्कल बनाना है पीछे भी जाना है पूरा स्ट्रेट स्पाइन के साथ पीछे और इस तरह से सर्कल बनाना है तो जब कभी भी आगे जाते तब श्वास छोड़ना है और पीछे जाते समय इनहेल करना है पूरा ब्रीदिंग के साथ कंट्रोल मूवमेंट रखना है इसमें और जितने काउंट आप क्लॉकवाइज कर रहे हो सेम उतने काउंट एंटी क्लॉकवाइज भी करना है तो जैसे ये टू राउंड हुए तो टू राउंड एंटी एल्बो से हाथ को इसी तरह स्ट्रेट रखते हुए सर्कल बनाना है आप देख रहे हो काफी अच्छा इसमें जब साइड वे पे जाते हैं तब अपनी साइड बॉडी पे एक खिंचाव आता है ये पूरा रीजन पे एक स्ट्रेच आएगा और साथ में आपकी जो इनर थाई है आपकी थाई फैट को भी कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है तो अगर एट द बिगिनिंग आप इस तरह से पैरों को नहीं रख सकते हो तो फिट टूगेदर करते हुए दोनों पैरों को इस तरह से रख के भी कर सकते हैं अभ्यास अगर इस तरह से भी कोई डिफिकल्टी हो रही है तो सबसे इजी है सबसे सरल तरीका है बिगिनिंग में क्रॉस लेग में बताइए पाली इस तरह से भी सुखासन में सिंपल क्रॉस लेग में बैठकर भी इस तरह से कर सकते हैं बट मेक श्योर कि आपका जो अपर ट्रंक जो कमर से ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो इस तरह से रोटेट होना चाहिए कंप्लीट आप यहाँ पे थोड़ा सा एल्बो से बेंड भी कर सकते हो जब सिटिंग पोस्चर में कर रहे हो तो बट मेक श्योर जितना आप इस तरह से ब्रीदिंग के साथ करोगे ब्रीदिंग आपको समझ में आई कि जब आगे फॉरवर्ड सर्कल बना रहे तब श्वास को छोड़ना है और पेट को अंदर पिचकाना है और जब पीछे जा रहे तब श्वास को अंदर लेना है और इस तरह से सर्कल बनाना है सेम एंटी क्लॉकवाइज तो ये था चक्की चालन दूसरा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा आसन नौकासन पची पीलू कर पानी जैसे पहले कुएं में से पानी खींचते हुए आपने देखा हो तो उसी तरह की कुछ क्रिया है रस्सी खींच इसको बोलते हैं इस तरह से एल शेप में बैठना है आपके दोनों पैरों के जो घुटने हैं वो ग्राउंडेड रहेंगे हिप से 90 एंगल पे स्पाइन स्ट्रेट रहेगी दोनों फीट एक्टिव रहेंगे इस तरह से दंडासन से स्टार्ट करेंगे अब करना क्या है कि एक्सहेल ब्रीथ आउट करते हुए आपके पंजों के आगे से रस्सी को ग्रैब करते हुए एक वर्चुअल यानी कि एक एज्यूम करना है कि एक रस्सी है जो आप खींच रहे हो और पीछे ड्रॉप कर रहे हो और अल्टरनेट हैंड से इस तरह से आगे ब्रीथ आउट करते हुए श्वास इसमें श्वास एक्टिवली छोड़ना है एक्सहेल एक्टिवली होता है इनहेल पैसिव हो जाएगा इसमें इसमें ब्रीथ आउट करते हुए प्रयास करना है जितना आप आगे अपने वेस्ट से मेक श्योर आपको हंच नहीं बनाना है कुब्बड़ बनाते हुए स्पाइन में कव बनाते हुए नहीं जाना है एक्सहेल करते हुए मैक्सिमम आगे से ग्रैब करना है और रिलीज करना है तो ये था इसमें से इतना पानी तो निकालना है कि आपको पसीना आ जाए आपका पानी निकले तभी आपको वेट लॉस होगा तो इट्स इम्पोर्टेंट ये था रस्सी खेच अब तीसरा अभ्यास है इसी श्रेणी में आगे बढ़ेंगे
ये सारे वेरिएशन इसलिए कि आपको डेली करते हुए इसको चेंज भी कर सकते हो और आपको अच्छा बोरिंग भी ना हो जाए, आपका जो हेल्थी सेशन रहे। यस, किसी को कोई क्वेश्चन? और तीसरा अभ्यास अभी, यानी कि वैसे देखे शुरू से तो चौथा इसमें करना है नौका संचालन क्रिया। अपने नौका आसन तो देखा होगा, ये नौका संचालन क्रिया है। इसको किस तरह से करते हैं? इसी तरह एल शेप में दंडासन में बैठेंगे, नौका संचालन करेंगे, फिर नौकासन। हले सलम, एक्सहेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट और इनहेल करते हुए इस तरह, हाँ इस तरह से ब्रीद आउट करते हुए कंप्लीट फॉरवर्ड जाना है और श्वास लेते हुए आप देख रहे हो इतना पीछे भी जाना है और आगे कितना जाना है, जितना आपके प्रयास ट्राई करना है कि आपके फीट पैरों के पंजों के आगे से आप पूरा इस तरह से सर्कल बना रहे हो। और इसमें श्वास कैसे रहेगी, आगे जाते समय श्वास को छोड़ना है और पीछे जाते समय इनहेल करना है। इस तरह से ब्रीदिंग करते हुए नौका संचालन करना है, जैसे नाव चलाते है उसी तरह। अगेन यहाँ पे अलाइनमेंट आप देख रहे हो, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से मूवमेंट है। सेम इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, एंटी क्लॉकवाइज में वही ब्रीदिंग पैटर्न और उसी तरह से अलाइनमेंट फॉलो करते हुए इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए कंप्लीट फॉरवर्ड। तो ये था नौका संचालन। अब जितनी नाव आगे पहुंची है उसको वापस वही उसी स्थान पे एड्रेस पे आना है रिटर्न, तो यानी कि उतना एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। तो ये था नौका संचालन और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेनिफिट के लिए आपको इमीडिएट जो लोग कर रहे होंगे ना, एक हीट बर्न फील होल हो फील होगा आपको जो है नौकासन। नौकासन होकर बताओ आगे कही इस तरह से नौकासन। नौकासन का अलाइनमेंट वन ऑफ द टफेस्ट पोज है, इंटरमीडिएट लेवल का है, बट इसमें आप देख रहे हो कि जो आपका बिग टो है, आपका फीट है, वो आई साइड पे रखना है, नहीं ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना है या नीचे भी नहीं रखना है, आपकी आई साइड के लेवल पे रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, कोर एंगेज रखना है और आप देखोगे कि चेस्ट इस तरह से ओपन रहेगी। अगर आपको बैलेंस बनाने में कोई डिफिकल्टी हो रही है, इसके वेरिएशन बिगिनर को अगर नहीं बन रहा है इट्स ऑल राइट, हम आपको सॉल्यूशन, अगर शुरुआत में इस तरह से नौकासन आपका नहीं हो रहा है, इस तरह से नहीं हो रहा है तो आप इसको नीस को बैन कर सकते हैं, इस तरह से हाफ नौकासन बोलते, बट सेम स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। और अगर हाथों को इस तरह से रखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हंच बन रहा है तो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, आप हाथों को इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं, बट मेक श्योर चेस्ट और स्पाइन को एक्टिव, क्योंकि इसमें कोर एंगेज होती है, आपको इमीडिएट जो लोग कर रहे होंगे उसको फील हो रहा होगा। तो इस तरह से नौकासन करना है। अगर ये करने में भी जिसको डिफिकल्टी मतलब नहीं हो रहा है तो अपने हाथों से इस तरह से सपोर्ट भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि स्पाइन को स्ट्रेट, और अगर इस तरह से पोस्चर में होल्ड बन जाए तो धीरे से अपने पैरों को इस तरह से स्ट्रेट कर दे, हाथों का हल्का सा सपोर्ट रख के पर स्पाइन को चेस्ट को ओपन रखना है इस तरह से, और धीरे से वापस आएंगे। तो ये था नौकासन। अब वेट लॉस की टाइम किस तरह से लें, कौन कौन सा नौकासन? उत्तान पादासन। हाँ, एक और सबसे महत्वपूर्ण आसन, ये सिर्फ एक आसन ऐसा है जो आपने सिद्ध, इसको अगर अच्छे से अभ्यास कर लिया तो पूरा जो सबसे टफेस्ट पार्ट कौन कहाँ होता है वेट लॉस का, तो अपनी थाई, बटक्स और कोर बेली, ये तीन ऐसे जगह है जहां से वेट रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, और ये आसन ऐसा है कि वो तीनों जगह से आपके फैट को क्लियर कर देगा, पूरा बॉडी एक टोन में आ जाएगा अगर ये आसन का अभ्यास किया। काफी इंटरेस्टिंग कौन सा आसन है, बहुत ही सरल है, सब लोग कर पाएंगे, इस तरह का ही आसन है, वो है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में आपको इस तरह से, मैं तो स्ट्रेट लेट रहा हूँ, आपको इस तरह से अपने मैट पे लेटना है, करवट से लेटेंगे इस तरह से एल्बो को सपोर्ट करते हुए। अच्छा,
ना उनका रिलेट हो गई, इस तरह से लेटना है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, पैर स्ट्रेट, इनहेल करते हुए सिर्फ दोनों पैरों को 30 डिग्री, नॉट मोर देन 30 और उससे कम नहीं, 30 डिग्री यानी कि 6 इंच ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा, इस तरह से रखना है। थाई को एंगेज, कोर एंगेज और यहाँ पे होल्ड करना है इस तरह से 30 डिग्री पे। अगर बिगनर को नहीं हो रहा है तो शुरुआत में अपने घर पे अगर कोई ऐसे कपड़ा हो, बेल्ट हो, तो इस तरह से सपोर्ट ले सकते हैं। बट यहाँ पे प्रयास करें कि पूरा आप बेल्ट से हाथों को बल उसको होल्ड नहीं कर रहे, थोड़ा पार्शियली अपने पैरों को पे भी शिफ्ट करते करते धीरे से बेल्ट की प्रैक्टिस छोड़नी है। इससे अगर पूरा बेल्ट के सपोर्ट से करेंगे तो वहां पे वो हम इसलिए करवाते हैं, कभी वो भी करवाते हैं, पर जब वेट लॉस से ज्यादा उस पोस्चर का अलाइनमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करनी हो, पोस्चर यानी कि सपोर्टिव प्रॉप्स सभी यूज किए जाते हैं कि जो ब्लड फ्लो इसमें वेरिकोज वेन से लेकर और भी, मैंने बताया कि एक आसन सिर्फ यही काम करता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे और बेनिफिट है और उसमें भी कराए जाते हैं, तो तब ये आसन करवाते तो तब हमारे लिए मसल्स को एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ब्लड फ्लो को, जैसे इसमें आपने देखा होगा पैरों की ओर से बॉडी की तरफ एक स्लोप, एक ढलान होता है क्रिएट, तो ब्लड फ्लो नेचुरली टूवर्ड्स अपने बेली लंग्स की ओर बढ़ता है, तो वो जब कभी चाहिए तब पूरा बेल्ट के सपोर्ट से, अगर जो लोग नहीं कर पा रहे, पर जिनको वेट लॉस करना है वो प्रयास करें कि थोड़ा अपने बेल्ट पे ले रहे अगर नहीं हो रहा है, और थोड़ा अपने पैरों पे ले और धीरे धीरे बेल्ट को कम किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस आसन में अगर आपको पसीना आना शुरू हो गया, उतना टाइम कम से कम होल्ड करना है, तो वेट लॉस डेफिनेटली गारंटेड होगा इसमें। आप इसको पर ऐसा नहीं कि आज की आज ही 1 किलो कम कर देना है और लगे रहे और दूसरे दिन खड़े भी नहीं हो पाए, इस तरह से भी नहीं करना है, बट गारंटेड इसका रिजल्ट है। आप लोगों को करना कैसे और इसको और थोड़ा सा एंजॉय, मतलब बोरिंग ना हो, इसलिए हम सारे वेरिएशन, बहुत सारे इसके वेरिएशन है, मेन इसको कोर को एंगेज रखना है। और हाँ, इम्पोर्टेंट ब्रीथिंग कैसे रखेंगे उसको फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, इनहेल करते हुए एंटी ग्रेविटी यानी पैरों को ऊपर उठाना है, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए टूवर्ड्स ग्रेविटी पैरों को नीचे की ओर लाना है, ये इसमें ब्रीदिंग है। और दूसरा, इसमें आपको पैरों को अगर 5 काउंट होल्ड नहीं हो रहा है तो आप 4 काउंट करें, पर जबरदस्ती 5 काउंट करके पैरों को झटक से पटकना नहीं है, जो फोर्सफुली लोग होल्ड नहीं होता, बहुत होल्ड करके एकदम से पैर को नीचे लाते, उस तरह से नहीं लाना है, पूरे कंट्रोल मूवमेंट होनी चाहिए आपके बॉडी पे, आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, उस तरह से करना है। तो इनहेल करके इस तरह से 30 डिग्री लिफ्ट अप किया और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से धीरे धीरे से उसको वापस लाएंगे। अगेन इसको दोनों पैर से नहीं हो रहा है वो सिर्फ 1 लेग से करें, वो बहुत ही इजी है, उसमें होल्डिंग बढ़ाते जाए, होल्डिंग एक 1 लेग से जैसे 20 काउंट 30 सेकंड होल्ड किया, फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लाए, श्वास लेते हुए दूसरे पैर को इनहेल करते हुए लिफ्ट अप किया और श्वास छोड़ते हुए 30 सेकंड रुक कर इस पैर को भी नीचे लाए। दोनों पैरों के अंगूठे जो है वो फ्लैट्स रखना है, पॉइंटेड, जब काफ पे आपको अपनी काफ मसल पे काम करना हो तो पैरों को इस तरह से पॉइंटेड रखेंगे जब ऊपर ले जाएंगे, और क्वाड्स पे और थाई पे काम करना है तो इसको इस तरह से फ्लैक्स रखेंगे, दोनों का इम्पेक्ट रिजल्ट अलग है। तो ध्यान रखें, ज्यादातर हम लोग फ्लैक्स रखवा वेट उसमें इस तरह से ही करवाते हैं क्योंकि काफ इतना फैट नहीं होता कंपेरेटिवली थाई के लिए, थाई पे, बेली पे और कमर पे तीनों जगह से वेट लॉस करने वाला आसन है। हालांकि टाइम काफी है और आसनों का अभ्यास और अलाइनमेंट, तो दूसरा और कौन सा ले ले? प्रियंका जी, हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट अपन कंटिन्यू करने वाले हैं जी। अंकल अभी आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से हमारा थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो इसका हम पार्ट टू अगले संडे करते हैं। ओके, हाँ ठीक है ना अंकल जी। अंकल ठीक है ना, पार्ट टू अगले संडे रखेंगे, और जो भी एक दो आसन आपको बताने हैं बता दीजिए, मैं 1 मिनट में सूचना दे देता हूँ पहले। आज तो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसका पार्ट टू हम अगले संडे 6:30 बजे रखेंगे,
और अभी 9 बजे हमारा दूसरा सेशन होने वाला है जिसमें हम थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम्स और उसका समाधान तो निरंजना जी से जानेंगे मुंबई से। और अगले रविवार 25 तारीख को 9 बजे हार्ट की प्रॉब्लम से संबंधित हमारा वेबिनार होने वाला है। दिल्ली से डॉक्टर छाजेड़ जी हमारे साथ जुड़ेंगे, विमल सिंह जी छाजेड़, और वो हमें हार्ट से संबंधित सारी प्रॉब्लम बताते हुए हार्ट प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पा सकते हैं और हम बाईपास या एंजियोप्लास्टी से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में हमें बताएंगे। तो 25 तारीख का कार्यक्रम भी हमें जरूर अटेंड करना है। 25 तारीख सुबह 6:30 बजे हमारे आज का कार्यक्रम का पार्ट 2 चलेगा और 9 बजे हार्ट से रिलेटेड जो प्रोग्राम होने वाला है वो चलने वाला है। सूचना मैंने अभी आपको दे दी है, अब आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करें जी। आज का अपन एक अंतिम आसन ले लेते हैं, विष्णु आसन। विष्णु आसन के बाद अपन आपके क्वेश्चन आंसर, अगर किसी ने रेज हैंड किया, हैंड को रेज किया था, तो उनके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। विभाजी दोषी जी ने हम दोनों को धन्यवाद दिया, आपका भी धन्यवाद। विष्णु आसन, अब जैसे लास्ट आसन में बताया तो सोचा कि चलो एक मन में थोड़ा सा लालच हुआ कि लोगों को कोई यूजफुल चीज मिली है, साथ में एक इजी चीज भी मिल जाए और इफेक्टिव। ये है विष्णु आसन, बहुत ही इजी है, सब कोई कर पाएगा इसको, चाहे कितना भी वेट हो या कम हो या ज्यादा हो। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, आपके इस तरह से ले डाउन करना है, लेटना है और साइड वे से है, इसलिए आपको पूरा बॉडी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, बस करेक्शन क्या है, अलाइनमेंट क्या इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, बाकी आसन तो आप और भी जान सकते हो। अलाइनमेंट का ध्यान रखना है कि आपकी जो एल्बो है और जो आपका शोल्डर है और पूरा बॉडी पूरा एक वन लाइन में होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, इन जनरल एल्बो आपका शोल्डर से आगे ही रहता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो फोल्डेड हैंड है जिससे अपने सिर को सपोर्ट किया है उसको स्ट्रेट कर देना है, स्ट्रेट इस तरह से ले डाउन करना है। तो इस तरह से ले डाउन करने से क्या होगा कि आपकी जिसमें देख रहे हो कि आपके रिस्ट एल्बो और शोल्डर वन लाइन में, और यहाँ से फिर आपको एल्बो से बेंड करना है और अपने हेड को सपोर्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा आपका पोस्चर। और दूसरा जो ऑल्टरनेट सेकंड हैंड जो है उसको आप अपने कमर पे भी रख सकते हो या अपने फ्लोर पे इस तरह से भी रेस्ट कर सकते हो बैलेंस बनाने के लिए। और पैरों को, दोनों पैरों के पंजे को फ्लेक्स यानी कि अपने चेहरे की तरफ इस तरह से एक्टिव रखना है। इनहेल करते हुए अगेन इसमें एंटी ग्रेविटी जा रहे है तब 30 डिग्री पे पैर को लिफ्ट अप करना है और श्वास छोड़ते हुए होल्ड करना है यहाँ पे 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड जैसा आपको कंफर्टेबल है। एक्सहेल करते हुए इसमें वापस आना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप जब इनहेल करते ऊपर ले जा रहे हो तभी आपको पैर को एक्टिव रखना है, स्ट्रेट रखना है, और एक्सहेल करते हुए वापस लाना है धीरे। हाँ, और इसको आप डायनेमिक यानी गतिमय भी कर सकते हो। इनहेल करते हुए रेज किया, एक्सहेल करते हुए वापस लाए, पर रेस्ट नहीं करेंगे, वापस लाते हुए भी उसको कम्प्लीटली रेस्ट नहीं करना। इनहेल करते हुए आप ऊपर ले गए, एक्सहेल करते हुए वापस लाए, इनहेल एंड एक्सहेल, इस तरह से डायनेमिक भी 10 से 15 रेपिटेशन कर सकते हो, बहुत इजी। ये आपकी क्वाड्रिसेप्स थाई से लेकर साइड बॉडी पे बहुत अच्छा वर्क करता है, जो साइड बॉडी पे सबको फैट होता है उसको कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है और इजी है। तो ये एक विष्णु आसन है, इसको आपको दोनों तरह से करना है, ये एक तरह से बता दिया, टाइम कम है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आसनों में, अभ्यास में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड राइज करें। है कोई जिज्ञासा कर सकते हो? आयुर्वेद के हिसाब से टिप्स देना चाहेंगे, जो धनिया पत्ती होती है
धनिया पत्ती को शाम कुनकुने पानी में उसको भिगो दे और फिर उसको पीस के उसमें आधा नींबू डाल के आप उसको पी ले तो वो आपको फैट लॉस करने में हाँ बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा है। और ये सारे आजमाई हुई इसलिए मैंने पहले भी बताया था सेशन से ये प्रूवन है, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, आपको बस आपको इसको करना है और रेगुलर इसको करेंगे तो रिजल्ट गारंटेड है। दूसरा इस तरह से आयुर्वेद अगर नुस्खा तो अगर देखें तो जो एक आपको अश्वगंधा का पत्ता एक पत्ता आता है अश्वगंधा, आपको अगर कहीं से जो भी जानकार होंगे या उस तरह से मिल जाएगा वो आपको ढूंढना होगा और वो खाली पेट एम्प्टी स्टमक उसको सिर्फ चूइंग चबा कर इसको खाना है खाली पेट पे सुबह में। ऐसा ये अभ्यास आप इसको 15 से 20 दिन करना है तो आपको एक्स्ट्रा इमीडिएट आपको 15 से 20 दिन में अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये और साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करेगा तो उसके लिए भी ये अश्वगंधा का जो प्रयोग है वो आप कर सकते हैं। और साथ आज हाँ और किसी को आप कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो वो लेकर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ किया हेलो हाँ धनिया पत्ती कितनी लेनी धनिया पत्ती कितनी लेनी है धनिया पत्ती हाँ कितनी लेनी है धनिया पत्ती आपका 2 चम्मच जूस बन जाए उस हिसाब से अंदाज से आप उसको ले सकते हो। इस तरह से लेना है कि उस क्वांटिटी में हाफ नींबू जब आप मिला रहे हो तो ऐसा ना हो कि सिर्फ नींबू का ही टेस्ट है धनिया पत्ती को बैलेंस हो जाए। उस तरह से आपको इस कैसी पत्ती आए पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 2 टेबलस्पून धनिया पत्ती का ही रस रहे उस तरह से तो कम से कम आपको करना है। और पानी कितना डालना है फिर पानी को आपको टेस्ट के ऊपर है कितना डाइल्यूट करना चाहते हो बट एक हाफ हाफ एंड ग्लास लूफोम वाटर एक गुनगुना पानी में आप ले सकते हैं इसको। अच्छा और उसमें बॉईल करने का धनिया पत्ती बॉईल नहीं करना है उसको गुनगुने पानी में भिगो के पीस लेना है और फिर उसमें आधा नींबू डाल के पी लो। तो धनिया पत्ती निकाल डालना छान के लेने का हाँ आप कोई पानी को भी वॉश अगर आपने धनिया पत्ती वॉश करके उसको गलाया है तो आप वही पानी को मिक्सी में डाल सकते हैं। ओके थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आप लोगों का आपने बहुत अच्छे से कुछ आसन बताए। हमारा जो भी पार्ट इसका अधूरा रह गया है हम अगले संडे इसको पूरा करेंगे। अगले संडे अपनी जो गोल्डन टिप्स अधूरी रह गई है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे उसके बाद अपन उसके प्राणायाम क्या है और उसके अलावा इमोशनल उसके कोर्स क्या है अपने थॉट पैटर्न क्या है जो इम्पैक्ट करते हैं और उसके साथ कुछ आसनास यूनिक देखेंगे तो उस तरह से मतलब आप इसको मन और भावना के स्तर पे भी काम करके इस मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मोटापा हालांकि है फिजिकल शरीर की चीज है दिखती है फिजिकल पर आप मेंटल और इमोशनली भी कुछ चीजें से उसको पूरा कंप्लीट करके वापस बॉडी शेप को बॉडी टोन कर सकते हैं। तो वो विषय सेकंड पार्ट में जिससे बताए उस तरह से लेंगे। धन्यवाद वंदना जी दो और लोगों ने हैंड रेस किया है कल जी आप देख लीजिए। हाँ जय जितेंद्र मेरे को ना वैसे फ्रोजन शोल्डर है तो फ्रोजन शोल्डर रहते हुए एक्सरसाइज ये जो आपने सब बताई ये कैसे करा मतलब क्योंकि फ्रोजन शोल्डर बहुत लंबा चलेगा पता नहीं कब ठीक होगा। नहीं फ्रोजन शोल्डर के लिए पहले जैसे विष्णु आसन है वो आपको अभी नहीं करना है फ्रोजन हाँ और ये जो हुआ एक्चुअली क्या था कि जो हमने बाकी की कुछ सीरीज में जो आसन लेने थे वो फॉरवर्ड यानी बैक पेन वाले ये सारी चीजों में से काफी ज्यादातर चीजें नहीं कर सकते तो जो दूसरा सेशन है उसमें हम उस तरह से ही विषय लेने वाले कि जो बैक पेन हो किसी को फ्रोजन शोल्डर के अलावा ये तो मैं बैक की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी इससे याद आया कि किसी को बैक पेन हो तो वो वेट लॉस के चक्कर में मतलब ऐसा ना हो कि ये करते करते उनका वेट ये पेन इंक्रीज हो जाए तो वो पूरी ऐसी सीरीज उसमें रखेंगे जिससे आपका बैक पेन भी हील होगा और साथ में आपको वेट लॉस में भी हेल्प होगा। फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको अभी ना प्लैंक वाला अभ्यास करना है
आपको सबसे पहले तो आप उसको जो एक मर्म बताया था कूपर मर्म, मैंने जो आप लास्ट सेशन में हो कि जो एक रीज बनती है यहाँ पे, वहां से आपको इस तरह से ये जो एक बोन हड्डी दिख रही है वहां पे आपको अपने थंब पे अपने बॉडी पे अपने हाथ से ही करना है, आपको अपने अंगूठे को रखना है बाहर से इस तरह वाले हाथ से रखना होगा आपको, और फिर वो हाथ से इस तरह से पकड़ने पर जो आपकी इंडेक्स और मिडल फिंगर जहाँ पे आ रही है वहां पे एक मर्म स्थान होता है, उसको आपको स्टिमुलेट करना है। एक मिनट में 15 से 18 बार प्रेस कर सकते हो, 0.8 दशमलव की उसमें वो रहेगी, उसको प्रेस करना है छोड़ना है, प्रेस करना है छोड़ना है। एक मिनट में 15 से 18 से ज्यादा बार नहीं करना है, और उसको 3 बार करना है आपको, और मतलब दिन में 3 बार ऐसे। हाँ दिन में 3 बार, दिन में 2 बार भी कर सकते हो, पर पॉइंट को भी 3 बार प्रेस करना है। ये खुद के खुद एक मिनट बताइए ना, कैसे बोल रहे हो, एक मिनट खुद के खुद बताइए ना सेल्फ। मेरा ये फुल स्लीव है, मैं आपको जैसे राइट इस तरह से जो आपको हड्डी दिख रही है वहां पे अंगूठे अपने, ये आपके बॉडी का ही अलाइनमेंट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सको, इसलिए यहाँ पे जिस तरह से रीच होती है हाथ को आप अंगूठे को इस तरह से ये जो बोन दिख रही है हड्डी पे इस तरह से रखना है, और बिना उसको मूव किए हुए उसको स्टेडी यहाँ पे फिक्स रखना है। आप अगर इसको हिला दोगे तो वो सही पॉइंट आपको आइडेंटिफाई नहीं आएगा, तो उसको स्टिमुलेट करना है इस तरह से, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। ये कूपर मर्म आपको देना है। दूसरा यहाँ से जो ये क्रीज बनती है वहां से सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आपको 4 फिंगर इस तरह से नीचे पे एक मर्म है, उसको भी सेम ये दोनों आप एक एक मिनट के लिए करना, सिर्फ 18 बार, और दिन में 2 बार करना, इस तरह से प्रेस करना छोड़ना है, प्रेस करना है छोड़ना है। ये भी 15 से 18 बार प्रेस करना है। यहाँ से 4 फिंगर ऊपर भी सेंटर में आप उसको बिल्कुल सेंटर में इस तरह से एक लाइन करोगे, 4 फिंगर अपनी 4 फिंगर को मेजर करना है जो मेन क्रीज होती है बीच में वहां से, और वहां सेंटर में जो एक मर्म होता है वो उसको स्टिमुलेट करना है आपको। 3 मर्म से आपको इमीडिएट विद इन मतलब 2 से 3 बार में, यानी कि 1 से 2 दिन में आपको ड्रास्टिकली रिजल्ट मिलेगा। यहाँ के फ्रोजन शोल्डर में अगर बिगनिंग या इंटरमीडिएट मतलब मिडल लेवल का रहता है तो वो 1 से 2 सिटिंग में ही पूरा क्योर हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो और भी इसके शोल्डर के मर्म है पर वो थोड़ा कॉलर बोन के पास है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा हाँ वो बेटर रहता है, क्योंकि सही मर्म आइडेंटिफाई करने से आपको रिजल्ट इसमें डेफिनेटली मिलता है। हाँ मीन वाइल ये फ्रोजन शोल्डर का हाँ वो अभी आपका किस लेवल का है, अगर ज्यादा है पेन तो आप अभी इसको स्टार्ट मत करना, बट क्योर होने के बाद इसको कंटिन्यू करोगे तो कभी आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा आगे नेक्स्ट वीक। और थैंक यू वेरी मच। वो क्योर होने के बाद आप ये वाले अभ्यास करना, क्योंकि ये जो आज के अभ्यास लिए थे उसमें आपको फ्रोजन शोल्डर में आपने सही बताया आपको नहीं कर पाओगे अभी, तो अभी उसको नहीं करना, वो सेकंड सेशन में हम ले लेंगे विषय। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों आप के लिए भी। यहाँ सेम कूपर मर्म है, अगर नेक्स्ट सेशन में मैं 4 इस तरह से मर्म, इसको पॉइंट यानी एक्यूप्रेशर से ही अलग विद्या है, 4 इस तरह से मर्म बताऊंगा जिससे आप वेट लॉस भी कर सकते हो उस मर्म को स्टिमुलेट करके, उसमें से एक कूपर मर्म जो बताया वो भी है, और पूरे 4 को किस तरह से आप पहले कौन सा दूसरा कौन सा उस तरह से 4 को एक पैरेलली प्रैक्टिस करना है, 4 मिनट का वो आपका रहेगा, और उसको आपको 3 दिन में नहीं उसको 1 महीने कंटिन्यू करना है। ऐसा कहा जाता है कि 3 महीने में 20 से 25 किलो वेट लॉस वो मर्म चिकित्सा से सिर्फ पॉइंट को स्टिमुलेट करके किया गया है, ऐसा तो वो भी मैं इस सेकंड सेशन में ले लेंगे विषय। बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लीजिए, संकल्प सूत्र का उच्चारण साथ साथ करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही
मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर 9 बजे वापस मिलने वाले हैं एक दूसरे हमारे प्रोग्राम के साथ, और ये हमें बहुत जानकारी देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम अगले संडे भी इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेवल सेकंड पार्ट टू इसका हम अगले संडे ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें बेनिफिट मिले, सब लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े इसी भावना के साथ। ओम अरहम। आनंदमय अंकल जी का भी धन्यवाद, जो भी उपस्थित